हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं वाराणसी से हूँ। मैं यहाँ पे अभी अभी अपने सेकंड पीआरपी के लिए आया हुआ हूँ। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अक्टूबर फर्स्ट वीक में हुआ था। उसके बाद रिजल्ट, जैसा आप देख सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब से मैं हेयर फॉल सफर कर रहा था, मेरा मतलब सोशल लाइफ बहुत ही मतलब खराब हो चुकी थी मेरे हिसाब से। तो मैं किसी को फेस करना, बात करना, किसी सोशल गैदरिंग में जाना, ये सब प्रेफर नहीं करता था। फैमिली फंक्शन वगैरह सब अवॉइड करता था। थोड़ी फैमिली हिस्ट्री भी है मेरी हेयर फॉल की, मैटरनल साइड भी, पैटर्नल साइड भी, तो वो एक रीजन था। प्लस थोड़ा वर्क रिलेटेड और स्टडीज रिलेटेड, मतलब रिलोकेट करना एक सिटी से दूसरी जगह, तो थोड़ा वेदर चेंज प्लस वाटर वगैरह के का भी इशू था मेरे साथ। काफी सारी मेडिसिन मैंने ट्राई की, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मिनोक्सिडिल वगैरह और ये सारा यूज कर रहा था। बट मिनोक्सिडिल यूज करने के बाद एक टाइम के बाद मतलब मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा था, प्लस शेडिंग भी ज्यादा हो रही थी, मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया उसके चलते। मैं काफी सर्च कर रहा था कि कौन सी क्लिनिक मेरे लिए बेस्ट रहेगी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने काफी सारी क्लिनिक देखा, उनका रिजल्ट देखा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अदर सोर्सेस से। उसके बाद मुझे लगा कि सबसे ऑथेंटिक विजुअल रिजल्ट प्लस कॉस्ट वाइज जो एफिशिएंसी है क्यूएसटी की, वो और कोई क्लिनिक मैच नहीं कर पा रहा था मेरे अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने फाइनल डिसीजन लिया क्यूएसटी आने का, प्लस काफी ऑथेंटिक भी लगा मुझे। मेरी सर्जरी अक्टूबर में हुई थी क्यूएसटी टेक्निक के थ्रू, और मेरे टोटल 4500 ग्राफ्ट्स अराउंड लगे थे, 4000 फ्रॉम द बैक ऑफ माई हेड, और बाकी जो 500 ग्राफ्ट्स थे वो मेरे बीएड से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। पेन जो था स्टार्टिंग टाइम पे, एनेस्थीसिया वगैरह जब यूज करते हैं तो बियरेबल पेन होते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में। उसके बाद कोई भी पेन मुझे समझ में नहीं आया, सब कुछ काफी अच्छे से हुआ। डॉक्टर काफी फ्रेंडली थे, सब कुछ पूरे टाइम पूछना आप कंफर्टेबल हो या नहीं, जो भी है। अगर मैं बीच में हॉल्ट मुझे चाहिए था या कोई भी, मैं मतलब थोड़ा कुछ भी पेन या कुछ भी रियलाइज हो रहा था, तो वो पूरा मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे यहाँ का। सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब मैं यहाँ से घर गया तो सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं हुई। और उसके बाद जो भी मेरा डोनर एरिया था वो भी कम्प्लीटली 1 से 2 वीक के अंदर में हील हो गया। हेड वॉश वगैरह जो मुझे करना था वो मुझे अप्रॉक्स 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद बोला गया था कि आप हेड वॉश कर सकते हैं मिनिमल शैम्पू से, तो वो सब मैंने किया। कोई भी स्कार वगैरह या कोई भी पेन, मुझे कोई भी पेन कुछ भी महसूस नहीं हुआ यहाँ से जाने के बाद। 1 हफ्ते तक मुझे 1 हफ्ते या 4 या 5 दिन के अराउंड मुझे पेन किलर वगैरह थोड़ा बहुत लेना पड़ा था। अराउंड 1 मंथ के बाद ग्रोथ भी मेरा अच्छा था। 1 मंथ के बाद शेडिंग फेज आया, तो शेडिंग फेज से बहुत लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं कि मेरा सारा मतलब है जो हेयर ये ट्रांसप्लांट मैंने करा है वो सारा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट वैसा कुछ भी नहीं होता। वो शेडिंग फेज बिल्कुल ही नॉर्मल है। मेरा भी 1 महीने के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था। वो अराउंड आपका 1.5 महीने या 2 महीने के अराउंड रहता है, उसके बाद वापस आपका रीग्रोथ होने लगता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पहले के पिक्चर्स और अभी के पिक्चर्स में काफी डिफरेंस है। मैं काफी कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ, और जितना मेरा ग्रोथ है ये अभी 9.5 मंथ्स के अराउंड का है, तो ये ग्रोथ अभी चलते रहेगा आगे और अच्छा ग्रोथ होगा। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इससे। प्लस जो भी लोग अपना ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छा क्लिनिक चूज करें, जो मेरे अकॉर्डिंग तो क्यूएसटी है, क्योंकि आप कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अगर और कहीं जाते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो क्लिनिक भी ऑथेंटिक हो। प्लस जो आपका डोनर एरिया होता है उसमें लिमिटेड हेयर्स होते हैं, अगर वो एक बार लॉस हो गया तो फिर आप ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराना पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हेयर अवेलेबल रहेंगे ही नहीं आपके लिए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ट्रांसप्लांट कराने से पहले सारा कुछ ऑथेंटिसिटी से लेकर के सारा कुछ चेक करें क्लिनिक का। प्लस मुझे जो सबसे बेस्ट क्लिनिक लगा मेरे अकॉर्डिंग और मेरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो क्यूएसटी है, तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्यूएसटी विजिट करें एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट अपना करें। थैंक यू क्यूएसटी, फिर से मिलता हूँ मैं अपने 3rd PRP के लिए। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.